हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट एज रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार होगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। दो दिन से मैंने सोच रहा था कि यार कौन सा सर्वर खेलूं, हर सर्वर में हैकर्स आ रहे हैं। एंड फाइनली फिर जाके मैंने डिसाइड करा चलते हैं यूरोप सर्वर में, क्योंकि वहां पे हैकर नहीं मिलते हैं। सीएमएक्स वाले सर्वर में जो है ना 101% हैकर रहते हैं। एंड ये लास्ट ट्राई है यूरोप का, इसमें देखते हैं अगर हैकर होगा तो फिर यार मैं तो बाद में सोशल सर्वर से खेलूंगा। अगर ये सर्वर में हैकर नहीं मिला तो डेफिनेटली गाइस मैं ये सर्वर पूरा खेलने वाला हूँ, पहले के तरीके से खेलूंगा, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे पहुंचा था गैस स्टेशन में, मेरे को यहाँ पे से ग्रीन कार्ड मिल गया, थोड़ा सा मेरे पास कंपोनेंट था वो मैंने डिसमेंटल मारा। एंड अभी मेरा प्लान था सबसे पहले मैं हार्ट ऑफ द शिप करूंगा, बट उससे पहले मैंने डिसाइड करा एक बारी बॉम्ब शेल्टर चेकआउट करके आता हूँ। एंड यहाँ पे देखो दो बंदे कैंप कर रहे हैं, मैंने कहा भाई जिस स्पीड से मैं यहाँ पे आया था उसी स्पीड से यहाँ पे से भाग भी जाता हूँ। तो यहाँ पे दो बंदे तीन बंदे जो है ना मेरे पीछे आ रहे थे गन लेके, मैं रुका नहीं भाई, यहाँ पे से ऐसे भागा। बंदे देखो वहाँ पे आपस में भिड़ रहे हैं एक दूसरा, बट दूसरा बंदा मेरे में यहाँ पे SMG का फायर कर रहा है, बट यार मैं जैसा तैसे करके वहाँ पे से बच के निकल ही गया। उसके बाद मैं पहुँचा यहाँ पे क्रूड ऑयल बेस में, मैंने डिसाइड करा थोड़ा सा मैं अपने के लिए फ्यूल वगैरह फार्म कर लेता हूँ, क्योंकि अपने को जो है ना फर्नेस बनानी पड़ेगी। वैसे यार हमेशा हम लोग बेस बनाना दिखाते हैं, बट मैंने डिसाइड करा आज नहीं दिखाऊंगा। मैंने फटाफट से अपना बेस बनाया, यहाँ पे मैं अपनी R&D बेंच प्रेस करता हूँ। एंड सबसे पहले तो अपने के लिए नाइफ का रेसिपी लर्न करेंगे, एंड उसके बाद जो है ना हम अपनी शॉटगन क्लेम करके फिर निकलते हैं रूम वगैरह करने के लिए। चलो अपनी फाउंडेशन जो है ना अपग्रेड करता हूँ स्टोन में, तो ठीक है लगभग रेडी हो गया। एंड अभी मेरे को अपने के लिए फर्नेस लगानी है, तो हम ऐसे करते ना तीन फर्नेस लगा लेते हैं यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले तो मैं फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ, लगभग तीन फर्नेस बन चुकी है। एंड इतनी फर्नेस जो है ना मैं यहाँ पे रखूंगा, तो एक एक करके मैं सारी की सारी फर्नेस लगाता हूँ। एंड उसके बाद अपना प्लान है जितना भी मैंने थोड़ा बहुत फार्म किया है ऑफलाइन में वो जो है ना हम लोग डालते हैं फर्नेस के अंदर, क्योंकि अपने को अभी बुलेट्स भी चाहिए। वैसे ये सर्वर में टाइम अभी काफ़ी हो चुका है सर्वर को, तो बंदे यार डेफिनेटली AR यूज़ करेंगे, तो अपने को थोड़ा सा संभल के यहाँ पे रहना पड़ेगा। जब तक अपने को AR नहीं मिलती तब तक हम लोग फाइट को अवॉइड ही करेंगे, वही अपना बेटर रहेगा। चलो यहाँ पे मेरे पास जितना भी फार्म था वो मैंने सारा का सारा फर्नेस में डाला मेल्ट करने के लिए। एंड उसके बाद करते हैं हम लोग रूम, देखते हैं यहाँ पे रूम वगैरह मिलता है या नहीं मिलता। वैसे मुझे लगता है यूरोप सर्वर में रूम वगैरह मिल जाता है ईजिली, भाई नल्ले बेरोजगार छपरी इंसान जो है ना सीएमएक्स सर्वर्स में ही खेलते हैं, मतलब जिनको 24 घंटे खेलना है एक रूम नहीं देना। तो चलो यार ठीक है, अपना फर्नेस लगभग रेडी, एक फर्नेस खाली है। यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा डालता हूँ चारकोल बनाने के लिए वुड। उसके बाद मैंने सारा का सारा फर्नेस लाया और निकल गया मैं यहाँ पे रूम वगैरह करने के लिए। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे पहुँचा क्रूड ऑयल बेस में, क्योंकि मुझे चाहिए था Level 2 का मास्क, एंड Level 2 का मास्क मेरे को यहाँ पे इजीली मिल गया। उसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो फटाफट चलते हैं हार्ट ऑफ द शिप में, एंड लेट्स सी देखते हैं वहाँ पे अपने को ग्रीन ब्लू कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा, एंड लकीली यार अपना लक इतना ज़्यादा बढ़िया था ना कि ग्रीन रूम पे अपने को मिल चुका है ब्लू कार्ड। वैसे यार ब्लू रूम पे पर्पल कार्ड भी है, बट यार वहाँ जाता हूँ ना तो मैं हमेशा मर जाता हूँ, तो इसीलिए मैं कभी वो रूम करता भी नहीं हूँ। तो चलो फटाफट से ग्रीन रूम करते हैं, देखते हैं पर्पल कार्ड अपने को कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। चलो यहाँ पे मैं जनरेटर में डालता हूँ फटाफट से वायर, रूम को ओपन करता हूँ एंड ब्लू कार्ड उठा के। एंड आपको एक चीज़ बताऊँ, सर्वर में लगभग काफ़ी टाइम तो हो चुका है, बट आप लोग देखना तुम्हारे भाई की किस्मत जो है ना कितनी फटीचर किस्मत है। फटीचर किस्मत बोले तो यार ईजिली कुछ मिलता ही नहीं। एंड आप लोग देखना यार मैं रूम कितने ज़्यादा कर दूंगा, ब्लू रूम भी करूंगा, बट मेरे को ना SMG नहीं मिलेगा इस सर्वर में, और अभी तक मिला भी नहीं था। तो उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे आया, एंड जब मैं हार्ट ऑफ द शिप को कर रहा था ना किसी बंदे ने मेरा बेस ही रेड मार दिया। मैंने कहा मिला तो उसको कुछ नहीं है, बेचारे ने फर्नेस से क्या ही दुश्मनी निकाली, पता नहीं गाइस उसने फर्नेस भी पूरी की पूरी रेड कर दी। सोच रहा होगा कि फर्नेस को रेड करूंगा और उससे मेरे को फार्म वगैरह मिल जाएगा, बट ऐसा थोड़ी ना होता। तो चलो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना बेस वगैरह रिपेयर किया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया बड़ा स्टोरेज बॉक्सेस, एंड जितना भी मेरे पास सामान था वो मैंने स्टोरेज बॉक्सेस में डाला। एंड जैसे ही मैं यह सामान स्टोरेज बॉक्सेस में डाला ना, तब तक जिस बंदे ने मेरा बेस रेड किया था वो आ गया दोबारा यहाँ पे। मैंने डोर खोला, भाई वो कैंप कर रहा था, एक शॉटगन का फटका मारा, बट वो बंदा नॉक नहीं हुआ,
बट यार वो अपने बेस के अंदर घुस गया था, बट कोई नहीं, वो बाद में सेल्फ कर लिया था। मैं 2-4 मिनट आया नहीं, उसने कहा वो बंदा आएगा नहीं, तो वो सेल्फ कर दिया। एंड अब यार मेरा जो स्टोरेज बॉक्सेस था ना वो भी टूट चुका है, क्योंकि अपने बैग में आयरन नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने साइकिल उठाया और निकल गया थोड़ा सा ग्रीन रूम वगैरह करने के लिए। एंड सीधा मैं पहुंचा न्यूक्लियर में, और न्यूक्लियर का जो ग्रीन रूम था ना एक अंडरग्राउंड में था। तो मैंने कहा ठीक है, लूट मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो चलिए फटाफट से अंडरग्राउंड चलते हैं, लेट्स ही देखते हैं अपने को कुछ मिलता है या नहीं मिलता। ओके सो यहाँ पे भाई एमोचेस्ट नहीं है, बट कोई नहीं यार, इतने दूर आया तो कर लेते हैं, क्या पता अपने को SMG का बैरल्स मिल जाए। SMG का बैरल्स भी यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उजी वगैरह मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अब। तो उजी भी मिल गया ना, अपन लोग उजी की रेसिपी लर्न कर लेगा। नहीं मिला कुछ, SMG के बैरल्स भी नहीं मिली यहाँ पे। ठीक है, डोर ओपन करता हूँ, वायर निकालता हूँ, उसके बाद जो है ना हम लोग चलते हैं ब्लू रूम पे। वैसे मैं ब्लू कार्ड लेके आया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही ब्लू कार्ड है, तो मैंने कहा भाई इस तरीके से तो मैं एवी दूंगा नहीं, जब तक मेरे को SMG नहीं मिलेगा तब तक मैं ब्लू कार्ड यूज़ भी नहीं करूँगा, लेके नहीं आऊँगा। कहीं किसी ने मार दिया भाई SMG, ब्लू कार्ड भी गिर गया। ओके यहाँ पे यार एमो चेस्ट है, बट नीचे फैटी है, तो मेरे को आराम से संभल के जंप करना पड़ेगा, कहीं मैं नॉक ना हो जाऊं। देखो भाई किस्मत देख रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ, एकदम फटीचर किस्मत है मेरी भाई। अभी इसको मारना पड़ेगा सबसे पहले ये फैटी को। ओके यहाँ पे कूदूंगा या फटेगा, एंड मेरे को टाइम देखते हुए ना यहाँ पे सब बाहर निकलना है। तब फट गया, तो उसके बाद मैंने फटाफट से अपने आप को हील अप किया, मैं यहाँ पे इनको नहीं मारा, एंड जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे से निकल गया बाहर। भाई क्या ही चिल्ला रहे हैं, पागलों की तरह ही है। तो चलो यार हम लोग यहाँ पे से बाहर तो निकल गए, पहले हील करता हूँ, एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे स्प्रिट मॉन्स्टर है उसको मारूंगा, क्योंकि अभी अपने को कंपोनेंट्स वगैरह चाहिए। फिर वहाँ पे से मैं सीधा पहुँचा गैस स्टेशन, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स था, तो मैंने कहा यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स वगैरह डिसमेंटल करता हूँ, पहले शॉटगन रिलोड कर ले, तो कहीं कोई बंदा आया ना तो गलत सीन हो जाएगा। तो ओके गाइस यहाँ पे मैंने अपना सारा का सारा जितना भी मेरे पास कंपोनेंट था वो किया डिसमेंटल। डिसमेंटल होने के बाद, क्लेम करने के बाद, मैं निकला सीधा अपने बेस के तरफ। एंड तब तक मेरे को हो चुके थे यहाँ पे 45 मिनट, एंड मुझे लग रहा था हार्ट ऑफ द शिप दोबारा से रिस्पॉन्ड तो हो गया होगा ग्रीन रूम। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं ग्रीन रूम करके आते हैं, लेट्स सी देखते हैं अपने को कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तब तक यहाँ पे ग्रीन कार्ड हो गया था स्पॉन, मैंने कहा ग्रीन कार्ड भी लेके चलो, बैठो साइकिल में और निकल पड़ो सीधा हार्ट ऑफ द शिप के लिए। तो यहाँ पर से मैं जा ही रहा था, डबल बैरल वाला बॉट मिला मेरे को, मैंने कहा इसको मारेगा मैं। तो जैसे इसको मारा, इससे मेरे को डबल बैरल शॉटगन मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो डबल बैरल शॉटगन उठा के मैं दोबारा से पहुँचा यहाँ पे क्रूड ऑयल बेस में, मैंने डिसाइड करा यहाँ पे देखता हूँ लेवल 2 का मास्क मिलेगा वो उठा लेता हूँ, एंड मेरा जो फर्नेस है वो सारा का सारा रेड हुआ पड़ा है। सो अपने को फर्नेस के लिए चाहिए क्या, ऑयल। तो मैंने कहा शॉटगन से जो है ना मैं यहाँ पे ऑयल वगैरह फार्म करूँगा, एंड फिर जो है ना हम लोग अपना फर्नेस वगैरह रिपेयर करेगा। तो मैं यहाँ पे सब फटाफट से अपने के लिए ऑयल वगैरह फार्म करने लगा था, और उसके बाद मैं फटाफट से पहुँचा अपने बेस में, और मैंने डिसाइड करा चलो अभी मैं सबसे पहले तो अपना फर्नेस को रिपेयर करता हूँ। भाई एक फर्नेस तो मैंने पहले ही कर दिया था, क्योंकि मेरे को चाहिए था आयरन, एंड अब मैं सारे के सारे फर्नेस जो है ना रिपेयर करता। तो ठीक है गाइस यहाँ पे मैंने सारे के सारे फर्नेस रिपेयर किया, उसके बाद मैं निकल गया दोबारा से हार्ट ऑफ द शिप। बट उससे पहले मैंने डिसाइड करा कि यहाँ पे जो मेरा TC एरिया है ना उसको कर लेता हूँ अपग्रेड, क्योंकि मुझे नहीं पता कब कहाँ से कौन मेरा बेस को रेड कर दे, क्योंकि अभी यार 2x2 का है ओनली। तो ठीक है अब थोड़ा सा सिक्योर हो गया, अब मैं इजीली जो है ना घूम सकता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से पहुँचा हार्ट ऑफ द शिप, एंड यहाँ पे जो है ना ग्रीन रूम पे एमो चेस्ट आ चुका है, लगभग पूरा 45 मिनट हुआ। तो मैंने जो है ना यहाँ पे डोर करा ओपन, एंड देखो भाई अभी भी SMG नहीं मिला। तो यहाँ पे जो है ना अपने टीम पे अपने फ्रेंड लिस्ट में मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे, तो उनमें से 2 सब्सक्राइबर यहाँ पे आ गए, तो वो बोलने लगे भाई तुम्हारे साथ खेल लें। तो मैंने कहा मैं भी अकेला ही हूँ, आ जाओ कोई टेंशन नहीं। बट यार ये चीज़ मेरे को गलत लगी, आते हैं 2 सेकंड रहते हैं उसके बाद ऑफलाइन चले जाते हैं, पता नहीं क्यों यार मुझे ये चीज़ बढ़िया नहीं लगता। बट कोई नहीं गाइज, अभी जो है ना मेरे को यह ब्लू पर्पल कार्ड मिला था हार्बर में जब मैं गया था, तो वहाँ पे मैं गलती से रिकॉर्ड करना भूल गया,
तो चलो कोई नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे से सारे का सारा सामान डालते हैं। बट अपने सब्सक्राइबर को जो है ना न्यूक्लियर को उन्होंने ग्रीन रूम किया था जब वो इस सर्वर में आए थे, तो उनको उसी टाइम जो है ना SMG मिल गया। देख रहे हो अपने सब्सक्राइबर की किस्मत इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि उन्हें फटाक से जो है ना SMG मिला, बट मेरी किस्मत नहीं है भाई। जब तक मैं परेशान नहीं हो जाता ना किसी सर्वर में, तब तक SMG मिलता ही नहीं है। चलो फटाफट से मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड ड्राफ्टिंग टेबल करता हूँ प्लेस, और उसके बाद जो है ना अपनी SMG करते हैं हम लोग लर्न। चलो यहाँ, अरे यार तो ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम लोग प्लेस इसको। चलो गाइज यहाँ पे मैंने अपनी ड्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया, अपनी जो वर्क बेंच है उसको भी कर देता हूँ मैं सीधा। सबसे पहले करता हूँ SMG का रेसिपी लर्न। मतलब आप लोग देखो यार, हम इतना रूम करेंगे ना आज, लिटरली बता रहा हूँ ना, मेरे को यहाँ पे रेड डॉट मिला ना SMG मिला, बस अभी तक मेरे को उजी मिला था इस सर्वर में रात तक। मतलब 3-4 घंटे खेलता हूँ मैं, 3-4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे उजी मिला इतने रूम करने के बाद। यहाँ पे मैं जा ही रहा था तब तक मेरे को एक बंदा मेरी गाड़ी में फायर करने लगा, मैंने कहा मारेगा, मैं दोबारा से घुमा के आया। चल बेटा निकल आराम से, फटका खा एक शॉटगन का, तो यहाँ पे मारा, बट इसका भी SMG ड्रॉप नहीं हुआ। इसका SMG ड्रॉप हो जाता तो डेफिनेटली मेरे को जो है ना रेड डॉट मिल जाता, बट कोई टेंशन यार, 15 दिन खेलने हैं सर्वर, आराम आराम से करेक्ट करेंगे ना एकदम से। यार मैं सोच लिया अब एक ही दिन में मेरे को सब चीज़ नहीं चाहिए, मैं धीरे धीरे कलेक्ट करेगा, कोई नहीं ड्रॉप नहीं करूँगा, बाद में करूँगा ना जब पूरा तैयार होऊंगा, 2-4 दिन लगेगा ज़रूर। चलो देख रहे हो चौथी एमो चेस्ट है, कोई सूट पटाख नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को ब्लू कार्ड मिला, तो मैंने डिसाइड करा अभी जो है ना मैं न्यूक्लियर का करूँगा ब्लू रूम। देखते हैं अपने को कुछ मिलता या नहीं मिलता, वैसे मुझे नहीं लगता यार कुछ मिलेगा। चलो यहाँ पे से मैं फटाफट से ग्रीन रूम करके निकला, सीधा पहुँचा ऊपर की तरफ ब्लू रूम करने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या मिलता अपने को। फटाफट से जनरेटर में डालता हूँ मैं वायर और डोर को करता हूँ ओपन, और देखते हैं यहाँ पे। देख रहे हो भाई, देख रहे हो किस्मत, मैं बता रहा हूँ इतने में कोई और होता ना उसको रेड डॉट भी मिल जाता, SMG भी मिल जाता, आयरन का आर्मर भी मिल जाता। भाई मैं ही बदनसीब हूँ इस गेम पे। चलो कोई नहीं यार, ढूंढेंगे मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे से निकला एंड मैंने डिसाइड करा सबसे पहले तो ये स्प्रिट मॉन्स्टर जो है ना उसको मारता हूँ। जब आया हूँ यहाँ पे स्प्रिट मॉन्स्टर को मारते हुए चलता हूँ। मर गया ये, तो यहाँ पे मैंने इसको मारा। उसके बाद मैं पहुँचा सीधा ट्रेड जोन में, ट्रेड जोन वाला स्प्रिट मॉन्स्टर था वो भी मारा मैंने। एंड उसके बाद जितना भी मेरे पास स्प्रिट मॉन्स्टर का सामान है ना वो हम लोग करेंगे डिसमेंटल। चल बेटा निकल आराम से, साइकिल उठा लेता हूँ मैं अपना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अपने को कंपोनेंट डिसमेंटल करने में। तो यार वहाँ पे कंपोनेंट डिसमेंटल किया एंड उसके बाद मैं डायरेक्ट पहुँचा बायो, एंड बायो में जो है ना ब्लू रूम था तो मैंने कहा चलो ब्लू रूम कर लेते हैं। एंड यहाँ पे भी देख रहे हो आयरन का कच्चा मिला है, अभी रेड डॉट भी नहीं मिला, SMG भी नहीं मिला, क्या ही बोल सकते हैं आप, बोलने का कुछ है ही नहीं। कार्ड वगैरह तो कुछ था नहीं यहाँ पे। एंड अभी मैं निकलता हूँ सीधा यहाँ पे से बॉम्ब शेल्टर निकलते हैं, बट उससे पहले मेरे पास यहाँ पे मैंने स्प्रिट मॉन्स्टर मारे थे दो, उनका कंपोनेंट्स बचा हुआ था तो मैं यहाँ पे गैस स्टेशन पहुँचा। मैंने कहा सबसे पहले तो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो करता हूँ डिसमेंटल। तो सारे का सारा कंपोनेंट डिसमेंटल कर ही रहा था, यहाँ पे आया एक बंदा, ले मैंने एक शॉटगन का फटका मारा, भाई वो तो सीधा उलटते हुए गया वापस। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको मारने के बाद मैंने सारे का सारा कंपोनेंट डिसमेंटल करा। एंड अभी अपना प्लान है यहाँ पे से हम लोग चलते हैं सीधा किधर, मिलिट्री। जब यहाँ तक आ चुके हैं तो मिलिट्री करना तो बनता ही है, लेट्स गो।
साइकिल उठाया, सीधा पहुंचा पिकवुड में, एंड उसके बाद जो है ना मैं निकल गया सीधा मिलिट्री ले। मिलिट्री पहुंचते यहाँ पे मेरे को स्प्रिट मॉन्स्टर दिखे, मैंने कहा सबसे पहले तो इनको मारो। तो एक स्प्रिट मॉन्स्टर मैंने यहाँ पे मार दिया है, तो मैं जैसे ही उसका सामान उठाने गया भाई, दूसरा वाला स्प्रिट मॉन्स्टर भी मेरे को फटका मारा। मैंने कहा रुक जा भाई, इसको पहले इसको मारूंगा फिर सामान उठाऊंगा आराम से। तो मैं यहाँ पे बैठा, अरे भाई गलती से उसने मेरे को मार दिया। ले बेटे खा भी फटका, खा फटका, खा फटका, ले खा फटका। तो ओके मर गया। तो जी हाँ यहाँ पे वो मर तो गया है। अब भाई ये स्टील दिया मेरे को, चलो ठीक है स्टील तो मिला मेरे को। यहाँ पे सारा का सारा सामान उठाता हूँ, चलता हूँ सीधा अंदर। बट यहाँ पे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है यहाँ पे दो ग्रीन रूम है। चलो देख के आते हैं दो ग्रीन रूम है या फिर क्या है। तो चलो यार अभी सबसे पहले तो ग्रीन रूम करूंगा मैं, पर्पल कार्ड में लाया नहीं हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आया, ग्रीन रूम किया, ग्रीन रूम पे जो है ना यहाँ पे था ब्लू कार्ड। मैंने कहा चलो ठीक है अपने को ब्लू कार्ड तो मिल ही गया है। एमओ चेस्ट है भाई, एसएमजी रेड डॉट तो दे दे यार, कुछ ना कुछ तो देना इस बारी। उजी, चलो उजी मिला ठीक है, बैरल मिली ठीक है। उजी लर्न करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, हाँ उजी लर्न करना पड़ेगा। तो मैंने ग्रीन रूम किया, जनरेटर से वायर निकाला एंड दोबारा से मैं पहुंच गया पीछे वाला ग्रीन रूम पे, एंड वहाँ पे भी जो है ना था अपना ब्लू कार्ड। मैंने कहा चलो मज़ा ही आ गया। तो ये वाला फटाफट से हम लोग रूम वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अपने को। मैं सोच रहा हूँ एक बार ही ना मैं पर्पल रूम की लूट वगैरह चेकआउट करके जाऊँगा, अगर वहाँ पे लूट होगा तो मैं अपना पिकवुड में छोटा सा बेस बनाऊँगा और अपने बेस से पर्पल कार्ड लाकर मिलिट्री का पर्पल रूम कर लेंगे। तो ओके अपन लोगों ने पूरा का पूरा ग्रीन रूम किया, उसके बाद मैं मिलिट्री का पर्पल रूम चेकआउट करके आया, लूट था। तो मैंने कहा अभी जो है ना मैं जाता हूँ फटाफट से अपना बेस में, और जो है ना तो मैं यहाँ पे पहुँचा पिकवुड में। मैंने कहा पिकवुड में जो है ना हम लोग 2x2 का बेस बनाते हैं एंड उसके बाद पर्पल कार्ड ला के सीधा मिलिट्री चलेंगे पर्पल रूम करने के लिए। तो भाई मैंने बेस बनाया, सब चीज़ किया, पर्पल कार्ड वगैरह लेके आया एंड उसके बाद मैं पहुंच गया सीधा यहाँ पे मिलिट्री में। और लेट्स सी देखते हैं अपने को मिलता या नहीं मिलता, मिलना तो चाहिए आई थिंक यार। यार मिल जाए ना मज़ा ही आ जाएगा। एमओ चेस्ट में कचरा मिलता है, ले ओ भाई बल एआर नहीं दूंगा मैं भाई। इस गेम का ना यही गलत सीन है यार, उन्होंने इतना रेयर कर दिया ना जैसे कि अब क्या ही बोलूं मैं। तो यहां पे देखो एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा बुरी लगी, ये जो भी था ना अपना पीछे पीछे आया, पर्पल रूम का लूट उठाया, मैं बाहर निकल गया और बाद में सेल्फ मार दिया। बोलता है जब मैं बाहर पहुंच गया कि लूट उठा के लिया, भाई कौन लाएगा, पागल थोड़ी ना हो, एक गाड़ी की चेस्ट थी उसमें। बट कोई नहीं, उसके बाद मैं वहां पे सब पहुंचा, कोई बंदा अपना बेस वगैरह रेड करने आया था एंड देखो यहां पे भाई अपना बेस रेड कर रहा है बंदा, और बंदे ने जो है ना पूरा स्टील का आर्मर पहना हुआ है विद आयरन हेड, आयरन लेग एंड आयरन बूट। मैंने कहा ये स्टील की चेस्ट तो मेरे को चाहिए, तो मैंने फटाफट से अपना उससे निकाला आयरन। मैंने कहा सबसे पहले चलता हूँ मैं बाहर, जो स्टोन का डोर है ना मेरा वो करूँगा मैं आयरन में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो तो कर दिया है, रिपेयर तो कर दिया, वो डोर तोड़ रहा है। मैंने कहा रुक जा भाई, इसको तोड़ा मैंने, बाहर पहुँचा एंड फटाक से जो है ना हम लोग कर लेते हैं इसको अपग्रेड, अब नहीं निकल पाएगा बाहर। उसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो यहाँ पे मैं सीलिंग लगाता हूँ ऊपर जाके ना, यहाँ पे भी एक डोर लगाया हुआ है बंदे ने, आई मीन अपने टीममेट ने, सो उसको भी मेरे को अपग्रेड करना है आयरन में। सो मैं यहाँ पे पहुँचा और ना अभी मैं थोड़ा सा स्टोन भी ले लेता हूँ, पूरा आयरन लेता हूँ, पूरा ही अपग्रेड करेगा मैं।
ओके यहाँ पे डोर है, चलो इसको तोड़ के ना इसको भी स्टोन में कर देता अपग्रेड, आयरन में करेगा मैं पूरा। चलो ये भी कर लिया, अब निकल भाई बाहर तू यहाँ पे से, तेरा स्टील का आर्मर तो मैं लेगा, पूरा तोड़ा है इसको। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी ना हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं। चलो अरे यार आयरन कम हो गया मेरे पास, मेरे पास आयरन नहीं है अभी, मेरे को लगता है मेरे को बेस पर जाना पड़ेगा, आयरन लेके आता हूँ। देख रहे हो उसको फुल फॉर्म में है वो। मेरे पास ना ऊजी तो है बट मैं रिस्क नहीं लेने वाला, वैसे भी फंसा हुआ है बेचारा, मर ही जाएगा अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मरेगा जब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। वैसे मुझे जो है ना अपग्रेड तो करना पड़ेगा क्योंकि उसका एक टीममेट था वो सेल्फ मार दिया है, कहीं वो बम वगैरह लेके आएगा अपने टीममेट को बाहर निकालने के लिए, तो मेरे को जिस सेक्शन में वो फंसा हुआ है ना उसको पूरा का पूरा करना है आयरन में। तो ठीक है वो तो मैंने आयरन में कर दिया भाई, अब नहीं निकल पाएगा वो। चलो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन वगैरह लिया एंड उसके बाद मैंने पूरे का पूरा जो अपना बेस है ना वो कर दिया था कवर एंड यहाँ पे ये डोर भी कर दिया आयरन में। भाई मैं थोड़ा सा एडवांस सोच के चल रहा था, मैंने कहा अगर वो यहाँ पे आता है ऊपर भी बम लगाता है तो उसका टीममेट कुछ भी करके ना बाहर नहीं निकलना चाहिए। आई थिंक उसका टीममेट आ गया, दो फुटस्टेप्स आए मेरे को, समझ गया मैं उसका टीममेट आ चुका है। चलो इसको मैं अपग्रेड कर लेता हूँ स्टोन में। तो यहाँ पे मैं बैठा हुआ था एंड कुछ ही देर बाद ना यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने अपनी सीलिंग के ऊपर बम लगाया। भाई बम जो है ना वो ही लगाया, 10 बम लगाया डायरेक्ट एक साथ। मैंने कहा रिपेयर करता हूँ, रिपेयर करने से बढ़िया जो है ना ऊजी निकालता हूँ, ऊजी से मारने का ट्राई करूँगा। तो मैंने यहाँ पे ऊजी निकाला, वो बंदा आया नीचे गया दोबारा आया, चल बेटा निकल पहली फुर्सत में। लेवल 2 का मास्क मिला उसका, भाई उसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो सबसे पहले तो अपना बेस रिपेयर करता हूँ मैं। भाई मेरे बेस की हालत ना आते ही 3 बार ही रेड हो गया, देख रहे हो भाई गलत ही सीन है, इज्जत ही नहीं है कोई, जो इतने 30 मार खान बनते हैं ना ये सारे के सारे पुराने बंदे हैं। तो भाई तुमने क्या समझा है सर्वर में हर कोई नया बंदा है, पुराना भी बंदे होते हैं भाई सर्वर में, वो तुम्हारी गलती है तुम नया बंदा समझ के किसी को भी रेड करने निकल जाते हो। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाओ यार, दोबारा से आया बंदा, वो दोबारा से आ गया जिसने बॉम्ब वगैरह लगाए थे, मारेगा मैं उसको। तो चलो गाइस फिर आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।